हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट भी जानते हैं हम सब लोग, कोई भी चीज हम गेट मतलब बाय करते हैं, कोई भी एज अ लाइक जैसे कपड़ा कोई भी आप उसको मतलब खरीदा तो हम क्या देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो, और शॉपकीपर क्या देखता है कि अपना प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस जैसे कि आप शॉप पर गए, उसने आपको दिया 50 का और वो पर प्राइस जो सामान है वो 40 का है, तो आपको लेस मतलब लॉस हुआ ना 10 रुपीज का, तो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉफिट एंड दिस इज कॉल्ड अ लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज देखेंगे, जैसे सीपी एफटी, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको और गेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लॉस, ठीक है। अब इधर देखो सीपी, सीपी मतलब क्या, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी इट मीन्स कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस इट मीन्स कॉस्ट, जैसे कोई भी आप बुक देख लीजिए, हमने बुक ली तो बुक की कॉस्ट क्या है, जैसे बुक की कॉस्ट 50 रुपीज है तो दिस इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस। अब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, अब शॉपकीपर देखेगा आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, जैसे उसने आपको सेल की 60 रुपीज की तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस 60 ही है, तो यानी कि एसपी। सीपी एंड एसपी, प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट को हम गेन भी बोल सकते हैं, गेन मतलब होता है हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी चीज में हमको नुकसान और नफा बोलते हैं जिसको वो चीज है, तो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉफिट एंड दिस इज कॉल्ड अ लॉस। प्रॉफिट, जब हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालना होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी में से सीपी माइनस कर देते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉफिट और गेन। एसपी और सीपी, तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, तो हमको ये आ जाएगा प्रॉफिट। अब लॉस, लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे, यानी कि उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में से एसपी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी मेन चीज है, ये आपको अच्छे से समझना है। अब आते हैं फॉर्मूलों पर, फॉर्मूलों पर देखिए। फर्स्ट गेन, गेन यानी कि प्रॉफिट, गेन, गेन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एसपी माइनस सीपी। गेन निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, जो कि अभी बताया था मैंने प्रॉफिट में। सेकंड पोर्शन, लॉस, लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सीपी माइनस एसपी। थर्ड, अब थर्ड आते हैं हम गेन परसेंट पर, गेन परसेंट, गेन परसेंट पर जब आते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%, ये होता है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। गेन यानी कि जो हमें गेन हुआ, जो हमें मिल रहा है प्रॉफिट वो लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, सीपी यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई 100%, ये फॉर्मूला होता है। फोर्थ आते हैं आपका लॉस परसेंट, लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, फिर परसेंट लगा देंगे कि आपका लॉस परसेंट होता है, कि लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 पे परसेंट लगा दीजिए। तो ये तो आपके हो गए परसेंट के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूले जो है, ये जो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं आपको सारे डिफाइन करके बता रही हूं। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए एसपी, अब हमने पहले आपको ये फॉर्मूला बताया फोर, अब एसपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमें एसपी निकालनी है कब, जब परसेंट में निकालनी है, किस में निकालनी है, परसेंट में, ठीक है। एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन में परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, ये होता है आपका एसपी। अब सेकंड, ये तो हो गया लॉस मतलब सॉरी प्रॉफिट में,
ये तो हो गया आपको प्रॉफिट में निकालने का, अब हम लॉस में, ये तो गेन में आया है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब लॉस में निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस, गेन में क्या करेंगे प्लस और लॉस उसमें क्या करेंगे माइनस, माइनस सॉरी लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ये हमारा किसमें, लॉस में, ध्यान रखिएगा जब प्रॉफिट में होता है तो हम प्लस करते हैं और जब लॉस में होता है तो हम माइनस करते हैं। अब आते हैं हम सीपी पर, ये हमारे एसपी के फॉर्मूले हैं, अब हम सीपी पर आएंगे। कुछ मेन इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसी पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज, इसी पर बेस्ड आपको ऑल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं आपके सिक्स एसपी, एसपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सीपी वो सॉरी पहले हमने क्या बताया था आपको एसपी, अभी क्या बता रहे हैं सीपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो सीपी निकालने का परसेंटेज में क्या फॉर्मूला है, करो 100/100, ठीक है, प्लस गेन परसेंट, बस अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, एसपी में ऊपर था इसमें नीचे आ जाएगा, परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी, ये हो गया आपका सीपी। अब आपका एसपी निकालने का क्या फॉर्मूला है, वो सॉरी सीपी निकालने का ही फॉर्मूला क्या है, किसमें, ये तो था गेन में, अब लॉस में क्या है, 100/100 माइनस लॉस में परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एसपी, सबसे इजी फॉर्मूले। और ये फॉर्मूले आपके पेज पर है, फर्स्ट पर आप उसको एक्सरसाइज जब आप लिखोगे पीडीएफ में उसको करने से पहले ये आपको फॉर्मूले राइट करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं आगे डिफाइन करती हूँ आपको, अब एक चीज देखिए, जैसे आप ऑल क्वेश्चंस करेंगे आपको मिलेंगे, मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है, दूंगी उसमें आ जाएंगे। अब आप एक चीज देखिए, जैसे एज अ लाइक मैं फर्स्ट एग्जांपल है वो आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व होता है। इसने बोला है मोहित बॉट अ सीडी, सीडी जो होती है वो खरीदी है 4 रुपीज 750, कितने में खरीदी है 750 में खरीदी है, खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो आपकी सीपी रुपीज, ये रुपीज का साइन होता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, एंड सोल्ड इट, सोल्ड इट यानी कि बेच दी, यानी कि एसपी, एसपी कितने में बेची है ₹875। तो पहले तो आप इतना माइंड लगा सकते हैं, इतना तो हमारे अंदर होता है कि हमने 750 की तो कोई चीज मतलब बाय करी है, खरीदी है और इतने में सेल कर दी, तो हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, गेन ही हो रहा है, हमको गेन भी बोल सकते हैं। तो क्या हो रहा है, एसपी बढ़ी है सीपी से, एसपी है मोर देन सीपी से, तो क्या करेंगे, पहले गेन निकालेंगे, गेन निकालेंगे कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी क्या है 875, सीपी क्या है 750, माइनस कर दो 5 7 5 8 2 125, तो 125 हमको क्या आया गेन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब परसेंट में निकालना है, तो मैं भी ये रफ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा लेंदी है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, वैसे फॉर्मूला लगा दो, क्या था 125 जो गेन हुआ वो अपॉन 750 क्या है आपका सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%, जो फॉर्मूला लगाया था उसी पर बेस्ड है, ठीक है। सीपी क्या दे रखी थी हमारी 750, कैंसिल कर दो, अगर हो रहा है तो 5 से हो रहा है, 5 2 10 5 5 25, 5 1 5, 7 में से 5 8 2 इधर हो गया, 5 5 25 0, 5 5 25, 5 3 15 0, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या रह गया 5, ये हो गया 5 10 50/3%, ये आंसर। चाहो से आप इसे मिक्स्ड फॉर्म में कर सकते हो, मिक्स्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, 3 का इससे डिवीजन देंगे, मिक्स्ड फॉर्म में करने के लिए 3 से 50 का वो करेंगे, 3 2 6, 3 1 3, 5 में से 3 2 0 आ गया, 3 5 15 और 3 6 18, माइनस के 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 16 होल नंबर, इसको कैसे लिख सकते हैं 16 होल नंबर 2/3% आंसर। तो
ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड इन दिस फॉर्मूलाज. ठीक है, आपको थोड़ा सा तो अपना देखना पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ दी हुई है, उसमें और सॉल्यूशंस हैं आपके. अब सेकंड में देखिए, सेकंड है आपका जो मैं इसको डिफाइन कर रही हूं, वो है डिस्काउंट. ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट. तो डिस्काउंट इट मींस एज अ लाइक दैट एग्जांपल, आपने पेन खरीदा, ये 100 रुपीज का है. अब डिस्काउंट खरीदने से पहले इसमें होता है एमपी. एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस, जो कि आपकी कोई भी चीज होती है उस पर लिखी हुई होती है. एक होती है लीस्ट प्राइस. अच्छा, लीस्ट प्राइस, एमपी यानी कि मार्क्स प्राइस और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है. तो लीस्ट प्राइस वो होता है जो हम, जो कि कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर जो मेन अपने रुपीस में मिलता है. जैसे मान के चलो ये पेन है, इसकी फैक्ट्री है, वहां मैन्युफैक्चर होते हैं ये प्रोडक्ट. ठीक है, सबकी अपनी अपनी कंपनियां होती हैं. तो लीस्ट प्राइस में क्या है, ये जो है लीस्ट प्राइस, ये आपका जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट है, फैक्ट्री से इट मीन 10 रुपीज का ही प्रोडक्ट, तो दिस इज कॉल्ड अ लीस्ट प्राइस. मार्क प्राइस जो इसके ऊपर लिखा होता है पेन के ऊपर. अब वो प्रोडक्ट उस फैक्ट्री के अकॉर्डिंग है कि वो 15 लिखे, चाहे 20 का लिखे, चाहे 30 का लिखे. ठीक है, डिस्काउंट अब हमें कितने का मिल रहा है डिस्काउंट. जैसे मान के चलो ये 100 का है, मुझे 20% का डिस्काउंट चाहिए. तो 100 माइनस 20%, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 100 माइनस 1 अपॉन 5, ऐसे करके सॉल्व होता है. फिर आपका आंसर आ जाएगा कि कितने का हमें डिस्काउंट इसका मिल रहा है, कितने का नहीं. सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए डिस्काउंट में, इन डिस्काउंट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एमपी. एमपी यानी कि मार्क्स प्राइस, मैंने अभी बताई थी, माइनस डिस्काउंट, और जो कि मैंने आपको अभी बताया है एज अ एग्जांपल कि ये आपका 50 का है, माइनस एमपी यानी कि मार्क्स प्राइस पे 50 लगी हुई है, या 100 कुछ भी लेट लेकर चल रहे हैं, लेट एग्जांपल, माइनस डिस्काउंट मुझे 20% का चाहिए. तो ये होता है, ये होता है सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला. ठीक है, अब आपके पास, अब ऑल बेस्ड क्वेश्चन आ सेम इसी के ऊपर है. नहीं आप, और हम इसकी क्वेरी जो है, क्वेरीज हैं और भी पार्ट्स हैं, वो हम जून क्लासेस में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो ये आपका होता है डिस्काउंट पार्ट. अब जो इसकी एक एक्सरसाइज है सेल टैक्स के ऊपर, वो जो एक्सरसाइज है वो स्मॉल है. अब टैक्स क्या होता है, तो इसमें टैक्स का आपका बुक में दिया है, मैं आपको रीड करके एक बार क्लियर करती हूँ कि एसटी इट मीन सेल्स टैक्स. एसटी का मतलब होता है, एसटी यानी कि सेल्स टैक्स. टैक्स तो जानते हैं सभी लोग, जो हम टैक्स देते हैं. तो एसटी इज चार्ज बाय द शॉपकीपर, जो शॉपकीपर के ऊपर चार्ज लगता है उसे टैक्स. जैसे कि मान के चलो एज अ लेट शॉपकीपर है, रेंट पर रह रहा है वो, सॉरी रेंट पर उसने अपनी शॉप ली है. ठीक है, तो वो उसका टैक्स निकालेगा कि नहीं. तो वाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर ऑन सेलिंग प्राइस, तो वो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग अपना जो टैक्स है वो निकालेगा. मोस्टली बिजनेस है इसका, या फिर आपके फैमिलीज वगैरह में, उसमें पता होता है कि किस तरीके से निकालना है. ऑफ एन आइटम, किसी आइटम के ऊपर, लाइट ये ले लो, बुक ले लो, कुछ भी ले सकते हैं. एंड इज
जो कि प्रोडक्ट होता है नॉन लिविंग थिंग एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, जो कि अपने बिल में एड करता है, तो दिस इज कॉल्ड अ सेल्स टैक्स. और वीएटी एंड की वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ये क्या होता है मैं आपको रीड कर देती हूँ. वैल्यू एडेड टैक्स इट मीन्स ये जो टैक्स है वो इस सेशन आई थिंक से न्यू इंक्लूड हुए हैं. लास्ट जो था वो आपका टैक्स था, पर ये वैट वाला नहीं था, वैट वाला अब लगा है. तो दीज डेज लास्ट भी लगा था पर इतना ब्रॉडली नहीं था, ब्रॉडली अब हुआ है. तो दीज डेज द प्राइजेस ऑफ द आर्टिकल्स इंक्लूडेड द टैक्स कॉल्ड वैट. तो आपको ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, पर मैं आपको इसको क्लियर कर रही हूँ, आप नोटबुक में कर लीजिएगा. डिफरेंस आइटम कैरी वैट एट डिफरेंट टैक्स, बस दिस इज, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, इसको तो बस सिंपल सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने पीडीएफ में दी हुई है एज अ लाइक दैट एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको बता देती हूँ. ठीक है, फॉर्मूले इसके जो नेक्स्ट जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताए हैं आपको, जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं अभी यहाँ पर क्लियर करके, वही फॉर्मूलाज ही लगेंगे. एज ए एग्जाम्पल आप कलर टीवी, टीवी होती है सभी के पास है, अब कलर टीवी इज अवेलेबल फॉर रुपीज दिस इंक्लूसिव एट ऑफ बेट. तो इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द टीवी इज रुपीज ये दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बेट. तो लेट द रेट, हमें तो नहीं पता क्या है, तो वैल्यू हमने लेट कर दी बेट की, वो क्या करिए एक्स परसेंट. ठीक है, एक्स परसेंट. अब टीवी की ओरिजिनल कॉस्ट क्या दे रखी है, 24000. ठीक है, ये दे रखी है रुपीज, इतने रुपए दे रखे हैं ओरिजिनल कॉस्ट के, आप बुक में देख लीजिएगा. प्लस अब उससे क्या बोला है कि वैट बताना टैक्स का, तो कैसे बताएंगे, तो एक्स परसेंट किस पे लगा है ऑफ, क्या है आपका जो है टू, यही लिख देंगे द्वारा 24000 इक्वल्स टू में क्वेश्चन में देखो कलर टीवी अवेलेबल, जो इस टाइम अवेलेबल है वो मैंने यहाँ इधर देखो तो क्या है 26880. ठीक है, अब ये देखो x ऑफ दिस, तो x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 24000. ठीक है, इक्वल्स टू में 26800 और ये प्लस का इधर आ गया 24000. ठीक है, अब क्या करेंगे 240, ये देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया. ठीक है, 240x जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो हो गया, तो क्या रह गया था 240 का मल्टीप्लाई एक्स में किया 240x इक्वल्स टू में इसको मल्टीप्लाई करो 0 8 8 6 2 2 8 0 0. ठीक है, अब क्या करेंगे ये दिखा आपको, अब इसके बाद में मैं ऊपर कर रही हूं उसको थोड़ा सा कि एक्स 240x तो एक्स इक्वल्स टू में 2880 अपॉन 240, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कैंसिल हुआ 12 times, तो यानी कितने परसेंट का है, तो वैट आई है आपकी, यानी कि वैट मतलब वैल्यू, क्या आपका फॉर्मूला वो फुल फॉर्म क्या थी, वैल्यू एडेड टैक्स, तो यानी कि वैट इक्वल्स टू 12%. ठीक है, तो इसी पर बेस्ड आपके ऑल क्वेश्चंस हैं, और अगर इस पे क्वेरीज हैं तो वो जूम क्लास की मिल जाएगी. तो दिस इज द क्लियर, यही फॉर्मूले है, यही सब कुछ है. ठीक है, थैंक यू.